हमारी पृथ्वी पर कई अजीब गरीब प्राणी अस्तित्व में हैं। उनमें से कुछ प्राणी को हम जानते हैं और देखा भी है, मगर कुछ प्राणी ऐसे भी हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे ही कुछ रहस्यमय, विचित्र और भयानक प्राणियों को कुछ लोगों ने देखने का दावा किया है। रहस्यमय जीव या मानो ऐसे जीव जो इंसानी आँखों से छुपे रहने में सफल रहते हैं, और वो जब कभी सामने आ जाते हैं तो मानव उन्हें देखकर चौंक जाता है और उसे मिस्टीरियस, मिथिकल या रियल क्रिएचर का नाम दे देता है। ये ऐसे प्राणी हैं जिसका रहस्य अभी तक अनसुलझा रहा है, और इनमें से कुछ रहस्यमय, विचित्र, डरावने प्राणी को देखने का दावा आज भी कुछ लोग करते हैं। आज के इस एपिसोड में बात करेंगे ऐसे ही कुछ रहस्यमय और भयानक दानव के बारे में। बिगफुट, मानव जैसा दिखने वाला एक बड़ा जानवर या मानव ऐसा बंदर जिसके शरीर पर काफ़ी सारे बाल हो, जिसके आंखें बड़ी और लाल हो, ऐसे जीव को बिगफुट कहा जाता है। ये जानवर झाड़ियों में और ऊंचे पहाड़ों पर रहते हैं। अमेरिका और एस्टोरिया में इससे सबसे ज़्यादा देखे जाने का दावा किया गया है। इनकी हाइट तकरीबन 8 से 10 फीट होती है। इनके लंबे बाल और ऊंचा कद इन्हें और भी भयानक बनाते हैं। बिगफुट की तलाश करने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक साथ काम कर रही है, इसलिए जहाँ जहाँ इनके होने की संभावना है वहाँ कैमरा लगा दिया गया है। कई लोगों ने इसे आंखों से देखने का दावा करते हैं, लेकिन अभी तक ये बात पूरी तरह से सामने नहीं आई कि ये मिथिकल क्रिएचर है या रियलिस्टिक। डोबरमैन, ये विचित्र और रहस्यमय प्राणी को सबसे पहले अमेरिका में देखा गया था। ये डरावना प्राणी को 21 और 22 अप्रैल 1977 में देखा गया था। इस विचित्र प्राणी की लंबाई लगभग 3 फुट तक थी। उसका सिर बड़ा था, आंखें ऑरेंज कलर की थी, हाथ पैर पतले थे, और ये प्राणी बिना बालों का था। और माना जाता है कि ये सांप की तरह फूंक करता था और बाज जैसा चिल्लाता था। इसके विचित्र रूप को देखकर वैज्ञानिकों का मानना है ये विचित्र और डरावना दिखने वाला प्राणी अन्य किसी ग्रह से आया होगा, नहीं तो बायोलॉजिकल कारणों की वजह से इस प्राणी का आकार बदलकर विचित्र हो गया होगा। कुछ लोग अनुमान लगाते हुए कहते हैं कि ये कोई परग्रही प्राणी था और ये एलियन गलती से हमारा पृथ्वी पर आ गया होगा। गोटमैन, मानव और भेड़ की शक्ल में आज भी एक दानव चर्चित है जिसे गोटमैन कहा जाता है। 1957 में जॉर्ज नामक कंट्री में इसे पहली बार देखा गया था। इसके बाद 1962 में फिर से इसकी चर्चा हुई, जहां इसने 14 लोगों की हत्या की थी। इसके बाद इसने 2 लोगों पर और हमला किया, पर खुशनसीबी से वो 2 लोग बच निकले। उनके मुताबिक ये इंसान और भेड़ की शक्ल का एक जानवर है। कई लोगों का ये भी मानना है कि ये एक असफल साइंस एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। जानकारों के मुताबिक गोटमैन आधा मानव और आधा भेड़ है। हकीकत क्या है ये आज भी एक रहस्य है। दोस्तों, आज का इस एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाला वीडियो आप लोग मिस ना करें। फिर से मिलेंगे एक नया एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।